ढूंढता रहता था इधर उधर, यूट्यूब पे भी इंटरनेट पे ढूंढता रहता था तो कहीं से कुछ मिल जाए जिससे अपने भी इंस्ट्रूमेंट ठीक हो जाए। ढूंढते ढूंढते सर का वीडियो मिला, ऑफिस में था देख रहा था कंप्यूटर पे, सर का वीडियो मिला। सर का जब मैंने वीडियो देखा, यहाँ लोगों को बोलते हुए देखा, उनको ठीक होते हुए देखा, उनका कॉन्फिडेंस देखा, तो एक उम्मीद मुझे भी हुई कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तब फिर एक और बात मेरे दिमाग में आई कि मैं जब सर को देखता था तो सर का ये था इसको टच करने का मेरा एक बात करी मैम से, बात हुई तो मैम बोली कि आप आ जाओ सर से बात हुई सर ने बोला ठीक है आओ। मैं जब यहाँ आया तो उसके जब इसका जो टाइम नहीं था उससे पहले मैं आके आके बैठ गया था, करीब 3:30 बजे आके मैं बैठा था यहाँ। फिर मेरे जो विकास भाई है साथ में ये भी आ गए, हम दोनों बैठे थे इसके खुलने के इंतजार करते। सर सर को बस मुझे देखना था, वीडियो में देखा था मैं, मुझे सर को वैसे देखना था, वैसे जो सर को देखा सर आए लिफ्ट में से सबको देखा मैं सर के, फिर सर थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुका हूँ। जो चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए जो मिलनी है मुझे वो इनसे ही मिल सकती है और मुझे कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सर के पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता, वो सिर्फ सर के पास ही है, यूनिक जो सर के पास है वो चीज, वो मुझे जो चाहिए लाइफ में वो मुझे सिर्फ सर से ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। मैं जो क्लास ज्वाइन करी मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया था, बहुत रिलैक्स फील हुआ, और मेडिटेशन में मेडिटेशन काफ़ी देर तक करने लगा। फिर अभी अभी लास्ट सर मेरा मेडिटेशन करीब 2 घंटे कंटिन्यू, और दिन में 2-3 बार हो जाता है 2-2 घंटे, उससे काफ़ी मुझे रिलैक्स फील होता है और कुछ फीलिंग कुछ बॉडी में कुछ वाइब्रेशन सी फील होती है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इसका। और बात सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे तो ये बात दिमाग में उस समय भी थी, उसको निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब निकल चुकी है, मैं किसी की परवाह नहीं करता, जो कुछ सोच रहा है सोच रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है कैसे बोलना है बस ये मुझे ध्यान रखना। और सब हम सबको यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है सर से, उसको छोड़ो मत। थैंक यू।